हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। और रक्षाबंधन की तैयारियां तो शुरू हो गई होंगी आप लोगों की। तो राखी वगैरह ले आए हैं क्या? मैं तो ले आई थी, मैंने वीडियो डाली थी, आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी। आई होप आपने देखी ही होगी। और मैं राखी वगैरह ले आई थी और मेहंदी अभी नहीं लगाई है, लेकर आऊंगी, देखती हूँ। रात को लगानी पड़ेगी क्योंकि युग मुझे दिन में तो खाली बैठने नहीं देता, तो दिन में तो मैं लगा ही नहीं सकती हूँ। और बताना भूल गई, आज है मंडे और मैं सोमवार के फास्ट भी नहीं कर पाई, और आज शायद लास्ट सोमवार है सावन के, शायद क्या लास्ट ही है। और उद्यापन करना होगा जिन्होंने फास्ट किया होगा, तो आप लोग बहुत लकी हो जिन्होंने व्रत किया है। नहीं भी किया है तो वो भी कोई बात नहीं, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि बस नहीं कर पाई। करने हैं मुझे 16 सोमवार के भी करने हैं, मैं शादी से पहले भी करती थी तो। और हाँ, मतलब बातें इतनी होती है ना कि बस मैं ये सोचती हूँ कि बस माइंड से निकल ना जाए, कोई बात रह ना जाए। क्योंकि मैं कल के व्लॉग में भी मैं ईद मुबारक बोलना भूल गई थी, फिर मैंने कम्युनिटी पे शेयर किया। और शाम के बज रहे हैं 4 और युग जो है सो रहा है। और मैं मेहंदी लगाऊंगी और कई बार रिपीट हो जाती हैं बातें, तो हो जाता है, ध्यान नहीं रहता। तो एक सब्सक्राइबर है मेरी, वो कहती हैं आप कई बातें रिपीट कर दे, तो भाई हो जाता है। हम लोग बात बात करते हैं, घर में भी जैसे बात करते हैं, और आप भी तो मेरी फैमिली हो, तो इतना सोच समझ के मैं बात नहीं करती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। भाई सोच समझ के बोलते हैं, बट आपसे एक उस तरीके से मैं बात करती हूँ जैसे किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, तो हो जाती है रिपीट चीज़ें। यार इरिटेट मत हुआ करो। एक हैं आई थिंक शीला जी हैं, तो भाई मैंने आपको बुलाया नहीं है यहाँ पर ज़बरदस्ती मेरी वीडियोस देखने के लिए, तो अगर आप इरिटेट होते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो मत देखा करें। और क्योंकि देखिए, आप उस दिन कॉमेंट आया था, कल ही आया था आपका कॉमेंट कि आई डोंट वॉन्ट लिसन योर लेक्चर। तो मैं कोई लेक्चर नहीं देती हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ। अगर आपको मेरी बातें मेरा लेक्चर लगता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो मत देखा करें। आराम से आप किसी और की वीडियो देख सकती हैं जिनकी आपको अच्छी लगती है। अब मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर व्यूअर से बात करना चाहूँगी जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरे फेस पे कुछ ग्लो लग रहा है, आज कुछ अलग लग रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया था। आप गैस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि मैंने क्या किया होगा, गैस कीजिए। और जैसे कि रक्षाबंधन की तैयारी शुरू हो चुकी है, मैं तो यहाँ पर मोस्टली लेडीज को देख रही हूँ, सब मेहंदी लगा के सब मेहंदी लगा रही रखी है सर में, और तैयारियाँ शुरू कर दी उन्होंने। तो मैं मेहंदी वगैरह तो नहीं लगाती हूँ, ना ही मैं कोई कलर वगैरह लगाती हूँ। बस शादी से पहले मैंने जो कलर लगाया था बस वही निकल गया है। और मैंने शादी से पहले हेयर स्ट्रेटनिंग भी कराई थी, स्मूथनिंग कराई थी, तो वो भी चली गई है। अब वापस से मेरे जैसे मेरे बाल थे वैसे हो गए हैं। और तो चले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है, और आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। जो नहीं कर पाते हैं वो उनको कुछ सीखने को मिलेगा, तो चलिए। और इससे पहले जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, अगर मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और ये बिल्कुल फ्री होता है। और आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, उससे आपको मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती हैं। तो बेल ज़रूरी है। और जो अगर सिर्फ मुझे देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप मुझे सिर्फ देख सकते हैं। तो शेयर कर सकते हैं आप मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो। और मैंने अपने चैनल का नाम जो है चेंज कर दिया है, चित्रास कॉर्नर नाम था पहले मेरे चैनल का, अब मेरे चैनल का नाम फरीदाबाद ब्लॉगर चित्रा हो गया है। और मैं कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपने नाम चेंज क्यों किया है, तो नाम मैंने इसलिए चेंज किया, हाथ में दर्द हो गया पकड़े पकड़े, तो नाम मैंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि जो चित्रास कॉर्नर नाम था उससे कई लोगों को मालूम नहीं चलता था कि मैं ब्लॉग्स भी बनाती हूँ। उनको ये लगता था कि कोई रिव्यू चैनल है या कुछ इस टाइप का मोटिवेशनल वीडियोस वाला चैनल है, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉगर लगाया है। और साथ में मैंने फरीदाबाद भी इसलिए लगा दिया कि जिससे लोगों को मालूम चल जाए कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ रहती हूँ, और जो मेरी एक्चुअली लोकल ऑडियंस है, जो लोकल लोग हैं वो एक्चुअली मेरे से जुड़ पाए।
इसलिए मैंने कर दिया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया था कल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज ये है नेचर्स की गोल्ड ब्लीच एक्स्ट्रा शाइन गोल्ड ब्लीच फेयरनेस ब्लीच क्रीम, जो कि 48 ग्राम की है और 70 रुपये की है। और इस पे सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई है। और इसके साथ एक एलोवेरा जेल था 10 रुपये का, जो आता है नेचर्स का ही, वो भी फ्री आया था इसके साथ, जो कि अच्छा होता है काफ़ी। एलोवेरा जेल आपको पता ही होगा, ये एक्टिवेटर है जो की क्रीम में ऐड होती है। और इसमें है क्रीम और एक इसके अंदर स्पेक्टुला भी है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये मैं तो स्पेक्टुला कम ही यूज़ करती हूँ, बस क्रीम लेने के लिए यूज़ करती हूँ, फेस पर मैं उंगली से ही ट्राई करती हूँ। तो ये जो एक्टिवेटर है ये 1/4 आपको क्रीम में डालना होता है, 2 स्पेक्टुला आपको लेने होते हैं क्रीम के। अगर आपको सिर्फ फेस पर और नेक पर करनी है तो 2 स्पेक्टुला लेने होते हैं। और मैं आपको क्रीम खोलकर दिखा रही हूँ कि कैसी होती है और कितनी होती है इसमें। तो इतनी होती है और इसमें जो है 2 स्पेक्टुला लेने होते हैं आपको क्रीम के, और बिल्कुल चुटकी भर आपको वो लेना होता है एक्टिवेटर। और मैं हेयर बैंड लगा रही हूँ लगाने से पहले, जिससे कि बालों में बाल जो है फेस पर ना आए और कहीं बाल जो सर वाले हैं वो भी कहीं ब्लीच हो जाएं ऐड होकर, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं फिर। और ये है क्रीम, और जिसको मैं ये जो एक कैप थी बॉटल की उसके अंदर मैं डाल दूँगी क्रीम को, 2 स्पेक्टुला, और उसको मैं फिर थ्रो भी कर दूँगी, क्योंकि डस्टबिन में ही थ्रो कर दूंगी, क्योंकि फिर उसका कोई यूज़ भी नहीं होता हमारा। तो ये एक स्पेक्टुला लिया है मैंने क्रीम का, और अब ये दूसरा स्पेक्टुला लूँगी। तो इतनी ही इनफ होती है फेस पे और नेक के लिए। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा जो है एक्टिवेटर ऐड करूँगी मैं, और एक्चुअली मेरे फेस पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरे को ना ठीक से हो नहीं रहा था, मतलब मेरे को लग नहीं रहा था ठीक से दिख रहा है, तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे फेस बना रही हूँ बाद में। अभी वॉइस ओवर करके मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये मैं कैसे फेस बना रही हूँ। तो अभी मैं देखिए एक्टिवेटर इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर डाला है मैंने, बिल्कुल आपको चुटकी भर डालना है, वही आपके फेस पर जो है ग्लो के लिए काफ़ी होगा। बिल्कुल देखिए येलो येलो जो दिख रहा है आपको क्रीम में, इतना सा एक्टिवेटर है, 1/4 चुटकी भर डाला है मैंने 2 स्पेक्टुला थे। और इसको अच्छे से मैं जो है इसको स्टिर करूँगी अपनी फिंगर से, और बिल्कुल जब तक अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाती है ये, तब तक मैं इसको मिलाती रहूँगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे मिला रही हूँ इसको, और बिल्कुल क्रीमी हो जाएगी ये, बिल्कुल भी ये जो दाने दानेदार होता है एक्टिवेटर बिल्कुल भी दानेदार नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल क्रीम में जो है बिल्कुल इस को बिल्कुल मिल जाना चाहिए अच्छे से। और ये मिला रही हूँ मैं अच्छे से कम मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से मैंने मिलाया था, और जो बाहर भी जा रहा था तो वो मैंने मिला दिया था। और ये देखिए बन गया है बिल्कुल अच्छे से, देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। और अब मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, तो कैमरा मैं ठीक कर रही हूँ पहले, क्योंकि कैम ठीक से आ नहीं रहा था, तो अब ठीक आ रहा है। तो अब ये पहले मैं कानों के यहाँ पर लगाऊंगी, तो जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है आपके हेयर्स हैं, और जो लोग, और इसको आप ट्राई कीजिएगा आप रात में ही लगाएं, क्योंकि सनलाइट में नहीं जाना होता है ये लगा के, फिर जो है फेस थोड़ा सा काला हो जाता है, तो अच्छा इफेक्ट नहीं होता है। रात को लगाएं आप ये, मैं भी शाम को ही लगा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना है, बस घर में ही रहना है। और इसको आप लगा इसको लगाने के बाद आपने बिल्कुल भी इसके ऊपर कुछ भी मतलब साबुन या फेस वॉश से फेस वॉश नहीं करना है, तो नहा धोकर ही आप इसे ट्राई करें। और ये आपके स्किन टोन पर है कि आपका गेहुआ कलर है बहुत फेयर है या फिर कैसा है सांवला है, क्योंकि मेरा जो है व्हीटिश कलर है, तो मैं बहुत गोरी भी नहीं हूँ और काली भी नहीं हूँ, मेरा व्हीटिश कलर है, सांवली भी नहीं हूँ, व्हीटिश कलर है। तो इसलिए मेरे लिए 15 मिनट इनफ है। तो जिनका थोड़ा सा ज़्यादा वैसा कलर है सांवला वगैरह, तो आप लोग इसको 20 मिनट भी रख सकते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं रखेगा, क्योंकि स्किन जो है वो जलने का थोड़ा सा डर रहता है, तो 20 मिनट से ज़्यादा आप यूज़ ना करें। और जिनका ज़्यादा फेयर कलर है उनके लिए तो 10 मिनट ही इनफ है। और इससे जो है
चलिए अब आप देखिए कि मैं कैसे इसको अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, कहाँ कहाँ पर कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ, तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। तो गाइस 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं देखूंगी कि मेरे जो हेयर्स हैं हो चुके हैं कि नहीं, स्पैटुला से हटाकर थोड़ा सा, और हो गया होगा तो मैं हटा दूंगी, अदरवाइज़ इसको 5 मिनट और रखने वाली हूं। तो इसको हो ही गया था मेरा 15 मिनट में, तो मैं देख रही हूं। और अगर आपका नहीं होता है तो वापस से जो क्रीम आपके स्पैटुला पे लगी है, हटाई है आपने, उसको आप वापस से वहीं पर लगा दीजिए, तो वापस से वो हो जाएंगे। तो मेरे हो गए थे, मैं देख रही हूँ। शाम के टाइम पे इतने अच्छे से नहीं दिखते हैं, दिन में आप देखोगे। नेक्स्ट डे मैंने देखा था तो मतलब बहुत अच्छा लगा, जैसे आज मैं देखा अपना फेस तो काफ़ी अच्छी ब्लीच हुई थी गाइस। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, आँखें बचाकर आपको करना है, आँखों पर नहीं लगाइएगा आप ये। देखिए मैंने भी आँखों आईब्रो को काफ़ी दूर है और ये वापस लगा देते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जिनका नहीं होता है। तो अब इसको मैं ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी, मैं वॉश करके आती हूँ। तो मैं वॉश कर कर आ गई हूँ और अभी जो है थोड़ा आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, कल जब मैं आऊँगी तो आप देखेगा कितना डिफरेंस होगा मेरे फेस में। और आज मैंने कानों वगैरह पे भी लगाई थी तो मैं वहाँ पर भी पोंछ रही हूँ, और बिल्कुल हल्के हाथों से टॉवल से अपने फेस को पोंछा करें। और ठंडे पानी से मैंने वॉश किया और जो एलोवेरा जेल था उसको मैं लगा लूँगी फेस पे अब, और उससे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आया था। मतलब जो स्किन थोड़ी सी ड्राई तो होती नहीं है बट फिर भी एलोवेरा जेल से अच्छा हो जाता है फेस। तो मैं देख रही थी, शीशे में देखने की कोशिश कर रही थी और दिख रहा था, बट दिन में जो है ज़्यादा दिखता है। तो आप सनलाइट में नहीं, मतलब दिन में आप मत यूज़ कीजिएगा, शाम को ही यूज़ कीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कैसा रिज़ल्ट रहा मेरे फेस का। एक चीज़ और गाइस मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी आपको कि आप वो लोग भी ब्लीच कर सकते हैं जिनको अपर लिप्स कराने में दर्द होता है, थ्रेड से पार्लर में कराने से दर्द होता है, और जो वो भी कराने में दर्द होता है, वैक्स कराने से भी दर्द होता है। तो आप ब्लीच कर सकते हैं अपने हेयर्स को, अगर आपको दर्द होता है हटवाने में तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है ब्लीच। और मेरी स्किन जो है स्मूथ तो हो ही चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये जो ब्लैक हेड टूल होता है निकालने का, ब्लैक हेड रिमूव वाला टूल जो होता है, उससे मैं थोड़ा अपनी जो थोड़ी बहुत ब्लैक हेड्स हैं उसको निकाल लूँ। तो मैं वही निकाल रही थी, और उसको निकालने के बाद मैं एक जो एवर यूथ का फेशियल है वो भी मैं यूज़ कर लूँगी। और इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है पार्लर में, कभी कभी आप लगा सकते हैं बट छोटे मोटे जो ये ओकेजन्स होते हैं इस पर मैं तो एवर यूथ का फेशियल ही यूज़ करती हूँ, पार्लर में इतने पैसे नहीं लगाती हूँ। और उससे बहुत अच्छा ग्लो आता है गाइस एक दो दिन बाद, इसीलिए मैंने कल ही यूज़ किया, जिससे कि रक्षाबंधन पर काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट नज़र आए। और वो मैं आपसे नहीं शेयर कर पाई क्योंकि फेशियल तो बस सिंपल सा उसको लगा लेते हैं, गोल्ड कलर का आता है वो, आप लगा सकते हैं। आई थिंक एक सेशन आता है 15 या 20 रुपए का, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये तब तक मैं ब्लैक हेड रिमूव कर रही हूँ। देखा आपने कि मैंने की थी ब्लीच, और ब्लीच कुछ लोगों को डर लगता है कि कहीं कुछ जल ना जाए फेस या कुछ ऐसा ना हो जाए, तो
तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप उस रेशो में बनाइए ब्लीच को जिस रेशो उसमें दिया हुआ है ब्लीच पर। और मैं पहले ऑक्सी ब्लीच यूज़ करती थी, बट अब इस बार मुझे वो मिली नहीं तो फिर मैंने यही वाली यूज़ की है। तो डरने वाली बात नहीं है, आप घर में ही ब्लीच वगैरह करके अपने हस्बैंड के जो है पैसे बचा सकती हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं खड़ी हूँ बाहर ग्रिल पर और मैंने कुछ ये पिंक कुर्ता पहना है और युग को अभी उठाना है क्योंकि फिर अभी सोता रहेगा तो फिर रात को वो सोएगा नहीं और फिर परेशान करेगा। और जो लोगों के ना घर वगैरह धुल रहे हैं, कुछ लोग शाम को भी घर धोती हैं, तो कुछ लोगों को सफाई का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है ना, और मुझे भी है पर इतना नहीं है कि एक तो टाइम नहीं मिल पाता ना, बच्चे की वजह से बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए मुझे यही शेयर करना था आपसे कि मैंने क्या किया। और मैंने बनाए थे वो फिर से पकोड़े, वो वाले क्या बोलते हैं उनको, अरबी के पत्तों के पकोड़े। तो फिर ले आए थे हस्बैंड फिर से, तो मैंने फिर से बना दिए। और मैंने हस्बैंड इस बार ना थोड़े ज़्यादा मिल गए थे, 10 रुपए के 8 पत्ते मिल गए थे, तो मैंने सारे बना दिए। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मतलब मैं 12 ले आया था तो क्या 12 के 12 पत्तों के बना देते, इतने सारे बन गए थे। और फिर कुछ तो मैंने खाए भी नहीं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो हस्बैंड कह रहे थे और खा के और तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़े बहुत तो मतलब फेंकने पड़ गए थे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मैं नीचे जाती नहीं हूँ। और कोई जानवर वगैरह हो जैसे गाय वगैरह हो और उनको देने का टाइम ही नहीं होता, बाहर इतना निकलना ही नहीं होता, घर में ही काम इतने होते हैं। तो चलिए वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।